आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही। स्वागत है आपका उज्जवल भारत समाचार में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ खुशबू। आइए डालते हैं मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों पर एक नजर। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गरबा में झूमे हुए हैं। और ये कहीं नहीं बल्कि ये इंद्रप्रस्थ सोसाइटी, जो कि मीरा भाईंदर शहर में रहने वाले लोगों के लिए एक सपना होता है कि हम इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में आए। और हमारे साथ सीए विठल नवंदर और उनकी धर्मपत्नी कोवल नवंदर जी हैं, जिन्होंने ये जिनका सोसाइटी ये है, इसमें इतने प्यार से लोग गरबा कर रहे हैं और घूमने का तो मुझे भी मन कर रहा है, और नवंदर जी कोमल जी को तो कर रहा होगा। सर, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के? देखिए, जो हमारा इंद्रप्रस्थ सोसाइटी का जो गरबा होता है, ये पूरे मीरा भाईंदर शहर में फेमस है। हमारी जो इंद्रप्रस्थ की उत्सव समिति है, ये हर प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। आप जैसे पीछे देख रहे होंगे, कितने लोग झूम रहे हैं, सभी महिलाओं ने और आदमियों ने पूरी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी है। तो मैं कहता हूँ, हमारा इंद्रप्रस्थ का गरबा है ना, बहुत ही शानदार होता है, और ऐसा गरबा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये सोसाइटी में गरबा होना या वहाँ इस सोसाइटी के अंदर रहना अपने आप में एक स्टेटस सिंबल है। आप ये कह सकते हो कि ये मीरा भाईंदर की इकलौती सी सोसाइटी है जहाँ हर प्रोग्राम बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इसके लिए हम इंद्रप्रस्थ उत्सव समिति को धन्यवाद देते हैं कि वो प्रोग्राम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। कहीं ना कहीं आपको भी थिरकने का मन कर रहा है, आप जाने को भी आकुल है। ऑब्वियसली, अगर इस तरह का गर्व होगा तो किसका थिरकने का मन नहीं करेगा। चलिए कोमल जी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अभी ये पॉलिटिक्स से भी हैं, सचिव हैं जिला भाजपा मीरा भाईंदर के, और इनके ऊपर जो और भी जिम्मेदारी है, समाज सेवक हैं, अभी अभी बर्थडे भी हुआ, आप भी झूमने को आतुर हैं अपने हस्बैंड के साथ? वो तो ऑब्वियसली होना ही है, और हम खेलते भी है, ये कितना भी बिजी रहो टाइम निकाल के आते हैं आधे घंटे के लिए, फिर हम साथ में डेली गरबा खेलते हैं। और हमारे यहाँ पे हर डे एक थीम रहती है, ग्रुप थीम भी है, तो वो हर दिन अपना कुछ ना कुछ यूनिक लेके आती है। और उन जैसे कल उन्होंने LED लाइट लगा के ग्रुप डांस किया था, एक दिन उन्होंने ट्रेडिशनल मराठी, एक दिन पंजाबी, ऐसा हर दिन उनका नया नया ग्रुप का थीम रहता है और वो उसको फॉलो करते हैं। क्या बात है, मतलब नए नए थीम के साथ आज का भी कुछ थीम है यहाँ पे? आज ट्रेडिशनल का है, तो मोस्टली सब लोग आपको 80% ट्रेडिशनल में ही मिलेंगे आज आपको। तो सर ले चलिए और यस आइए, कम ऑन आइए। तो चलिए दोस्तों, हम अब चलते हैं विठल नवंदर जी के साथ उसी डांस गरबा में, और दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से लोग यहाँ पे इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में गरबा खेलते हैं। थैंक यू।
ये जो इंद्रप्रस्थ सोसाइटी है वहाँ के लोग सारे लोग यहाँ पे गरबा डांस करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि आप कह सकते हैं कि सेकेंड लास्ट डे है और ये लोग यहाँ पे पूरे तरीके से आप देख सकते हैं कि ये राजस्थानी डांस, राजस्थानी वेशभूषा में किस तरीके से लोग, क्योंकि दो साल बाद कोरोना काल ख़त्म होने के बाद यहाँ पे लोग रुक गए, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी छूट दिया है और सारे लोग यहाँ पे झूमते हुए नजर आ रहे हैं। आइए हम बात करेंगे एक एक करके सभी से किस तरीके से वो लोग इस इवेंट का कितने टाइम से इंतजार कर रहे थे। दो साल बाद ऐसा मौका मिला है, 9 दिन फुल एंजॉय किया हम लोगों ने, बट वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। दो साल बाद ये मौका मिला है एंड नवरात्रि में कपड़े, फैशन, डांस, मस्ती, दोस्तों से मिलना, धमाल, ऑल हैपनिंग गुड। वी आर थैंकफुल टू ऑल द गवर्नमेंट हु इज अलाउइंग दिस। एक्चुअली दिस इज वेरी गुड एंड वी शुड एक्चुअली एनकरेज दिस। ये सब ट्रेडिशन है, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत आनंद ले रही है उसमें रात में। 9 days से बहुत धूम मची हुई है इंद्रप्रस्थ में गरबा की, हम फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं और हमारी कल्चर कमेटी जो कि सब मिल के संभाल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा गरबा हमने आजू बाजू में नहीं देखा जैसे हमारे सोसाइटी में हो रहा है। हम धूम मचा रहे हैं, हम लोगों को बाहर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है कहीं पे भी, और यहाँ पे फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं हम गरबा खेल के सब हमारे परिवार के साथ में। देखते हैं कि किस तरीके से पूरे राजस्थानी ड्रेस में झूम रहे हैं, गरबा खेल रहे हैं और पूरा जो है वो टीम, ये देखिए क्या बात है, किस तरीके से ये लोग अपने पूरा गरबा के रंग में, जो कहते हैं ना कि गुजराती रंग में रंगे हुए हैं। मारवाड़ी ड्रेस जो राजस्थानी ड्रेस है, जो चूड़ियाँ हैं वो सारे यहाँ की इंद्रप्रस्थ बिल्डिंग है, उसके सारे लोग लेडीज़ यहाँ पे आ कर के इस तरीके से, क्योंकि गरबा का एक सेकंड लास्ट है और ये सारे लोग इतने अच्छे प्यार से देखिए, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे वो जवान हो, सारे लोग मस्ती के रंग में डूबे हुए हैं। बड़ा ही अच्छा मनोरम दृश्य है कि किस तरीके से पसीना हो रहा है लेकिन सारे लोग डांस में डूब रहे हैं। आप देख सकते हैं सीए विठल लवंदर, उनके धर्मपत्नी गोपाल लवंदर भी इस तरीके से यहाँ पे। सबसे पहले तो उज्जवल भारत समाचार का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आपका स्वागत भी करता हूं। इंद्रप्रस्थ उत्सव मंडल द्वारा यहां पर आयोजित नवरात्रि के इस उत्सव में आप यहां पर उपस्थित हैं, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों से हम लोग यहाँ पे नवरात्रि उत्सव आयोजित कर रहे हैं और 2 साल कोरोना के जो है वो नवरात्रि उत्सव हो नहीं पाया, लेकिन ये 3रा वर्ष है जिसमें हम लोग ये नवरात्रि उत्सव कर रहे हैं। और इंद्रप्रस्थ के सभी रहवासी ए विंग, बी विंग और सी विंग के सभी लोग मिलकर भाईचारे के साथ इस उत्सव के आयोजन में सहभाग लेते हैं। इंद्रप्रस्थ की एक खासियत है कि सभी रहवासी मिलकर हर कार्यक्रम को बहुत ही उत्साहित रूप से मनाते हैं। यह कल भी कार्यक्रम होगा और अगर निश्चित तौर पर जनता की मांग होगी तो दशहरे के दिन भी यह कार्यक्रम जरूर होगा। विठल जी, आपने हमें यहाँ बुलाया और बहुत अच्छा गरबा आपने दिखाया और आपने कैमरा को भी बुला के चलो मैं दिखाता हूँ गरबा, बहुत अच्छा लगा, क्या कह रहे हैं? देखिए ये जो गरबा हो रहा है, ये गरबा इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में पिछले 5 सालों से हो रहा है और ये जो हमारे मधुभाई पुरोहित है, ये हमारे उत्सव समिति के हेड है, अध्यक्ष है, सारा इन्हीं के नेतृत्व में होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया
इंद्रप्रस्थ सोसाइटी के ए बी सी विंग के सभी रहवासी मिलजुल के रहते हैं और मधुबाई के नेतृत्व तो समिति बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, गणपति हो, गोविंदा हो और गरबा की तुम्हारे नदी धूम रहती है, तो इसके लिए मैं संपूर्ण उत्सव समिति को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इंद्रप्रस्थ सोसाइटी के जो भी 3 विंग है उसमें जो भी बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, युवा हो, सारे लोग किस तरीके से मस्ती के रंग में और गरबा के रंग में झूमे, आखिर हो क्यों नहीं, क्योंकि 2 साल बाद ऐसा माहौल मिला है और सरकार ने भी छूट दी है कि लोग झूमे, गाएं और गरबा मनाएं। क्या कहना चाहेंगी? और इंद्रप्रस्थ में हर साल गरबे में एक नई थीम, नई धुन के साथ ही मजे आते हैं और इंद्रप्रस्थ का गरबा जब भी होगा धमाकेदार होगा। मतलब जब भी इंद्रप्रस्थ का गरबा होगा धमाल होगा। मैं आप लोगों को भी डांस करते हुए देखा, आप लोग भी पूरे झूम रही थी, क्या कहना चाहेंगी? यहाँ आकर इस सोसाइटी में शिफ्ट होकर सच में जीवन का अलग रंग देखने को मिलता है और इस उत्सव मंडल को हम आभारी हैं कि इतना अच्छा रंगारंग कार्यक्रम रखते हैं। तो इसके लिए हम सब हर साल उत्साहित रहते हैं कि कैसे वक्त आए और हम ये सब में भाग कर लें। तो क्या आपका नाम क्या हुआ? प्रियंका डागा। प्रियंका जी ने बोला कि हर समय ऐसा पल है कि हम सारे झूमे, गाए, मस्त हो। इंद्रप्रस्थ में आज आपको देखा, आप भी झूम रही थी मस्त हो, क्योंकि आपका ड्रेस भी लग रहा है कि आप राजस्थान से उतर के चली आई है। आप क्या कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों? बस यही कि हर बार इंद्रप्रस्थ का लेवल बढ़ते जा रहा है और आगे ऐसे ही बढ़ते रहेगा और पब्लिक आती रहेगी और मजे करेगी। रेणुका। तो आपने सुना सारे लोगों को कि किस तरीके से ये लोग गरबा खेल रहे हैं, झूम रहे हैं, मस्त है, तो इसे कहते हैं इंद्रप्रस्थ सोसाइटी। और सारे लोगों का कहना है कि इंद्रप्रस्थ सोसाइटी सिर्फ गरबा ही नहीं बल्कि जो भी पर्व त्यौहार होता है वो सारे जो 3 विंग है मिल के मनाते हैं। हमारी उज्जवल भारत समाचार की ओर से इन सारे लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही खुश रहें, ऐसे ही मस्त रहें और गरबा हो, दिवाली हो, दशहरा हो, गणपति बप्पा पूजा, जो भी पूजा हो उसमें झूमें, गाएं और खुश रहें, क्योंकि खुश रहने के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि 2 साल हम लोगों ने कोरोना को झेला है। तो एक बार फिर से मैं उज्जवल भारत समाचार की ओर से इन सारे तमाम जो रहवासी हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं रवि टुंडा उज्जवल भारत समाचार के लिए। फिलहाल इतना ही। ताज़ातरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत समाचार को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही।